मेरा यह कहना है कि जितनी सुविधा आपको पुरानी पेंशन में थी उससे कहीं ज्यादा सुविधा नई पेंशन स्कीम में है। और वो क्या बताएंगे कि कौन अच्छी है कौन खराब, जिसको चाहिए उसी को पता चले कि कौन अच्छे। जैसे किसानों के लिए उन्होंने किया था कि किसान बिल लाए थे, लेकिन किसानों को पता हुआ था कि उनके लिए क्या है। नई पेंशन स्कीम में संभावना इस बात की ज्यादा है कि कर्मचारियों को लाभ मिले, इसलिए मान्यवर इसको लागू किया गया और मैं समझता हूँ इसमें बदलने का कोई इरादा नहीं। अगला जो होगा भारत बंद का ऐलान होगा या चक्का जाम का ऐलान होगा, उसको हम लोग पुरजोर समर्थन करते हुए आगे बढ़ेंगे। नई पेंशन स्कीम में कोई लाभ नहीं है। नई पेंशन स्कीम में 10% हमारा कटता है, 10-14% गवर्नमेंट देती है, और दोनों पैसा कहाँ जाता है इसका कोई गारंटी नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, कोई उसका भविष्य नहीं है। जब अगर उनको ये लग रहा है कि नई पेंशन स्कीम में बहुत लाभ है, तो पहले अपने पर क्यों नहीं लागू करते हैं? अपने लिए जब हम कह रहे हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, वो दूसरे को खिलाने से पहले स्वयं खाएं, उसके बाद बताएं कि हाँ कितना अच्छा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीते दिनों वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कुछ आगे का नहीं सोचते हैं, लेकिन नई पेंशन स्कीम में ज्यादा लाभ है। राज्य कर्मचारी के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। आज हम इस समय दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं, जहां पर देश के तमाम कोनों से लोग आए हुए हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों तमाम मंडलों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे वो क्या मांगों को लेकर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? सोनभद्र जिले से। अच्छा, यूपी। आप जो यहाँ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हैं, क्या लगता है आपकी क्या मांगे हैं, क्या आप नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर? पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, नई पेंशन योजना जो है वह शेयर मार्केट पे आधारित है, जिसमें हमारा भविष्य जो है जोखिम समझ में आ रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? योगेश पांडे, जिलाध्यक्ष सोनभद्र से आए हुए हैं। जिला अध्यक्ष सोनभद्र उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ और प्रदेश संगठन मंत्री हैं। कल विधानसभा में वित्त मंत्री से जब सवाल किया गया पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नई पेंशन स्कीम में ज्यादा लाभ है और कर्मचारियों को हम वही लागू करेंगे। ऐसा है कि जब अगर उनको ये लग रहा है कि नई पेंशन स्कीम में बहुत लाभ है, तो पहले अपने पर क्यों नहीं लागू करते हैं? अपने लिए जब हम कह रहे हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, वो दूसरे को खिलाने से पहले स्वयं खाएं, उसके बाद बताएं कि हाँ कितना अच्छा है। और रह गई बात जो कह रहे हैं कि नई पेंशन अच्छी है, इस अच्छी स्कीम है, तो वो लोग पथ भ्रमित हो चुके हैं, जिसका परिणाम उनको बहुत जल्द ही आने वाले समय में दिखेगा। अब इतनी रैलियां हुई हैं, इतने धरने हुए हैं, इतना जो है कि शांतिपूर्वक हम लोगों ने सत्याग्रह किया है, जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर के आज दिल्ली की जो है कि प्रदेश देश की राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से लाखों की संख्या में लोग आ करके और यहाँ पे धरना प्रदर्शन महारैली को किए हैं, संपन्न किए हैं, आज उनको महसूस होना चाहिए और इसको तुरंत बहाल करना चाहिए। इसमें कहीं से भी देर नहीं करना चाहिए। अगर इतनी अच्छी नई पेंशन स्कीम है तो पहले वो ले, अगर वो ले लेते हैं तो हमें स्वीकार है, हमें महसूस होगा कि हमारे अगुआ। सरकार ने तो साफ कह दिया ना कि हम तो नई पेंशन स्कीम में ज्यादा लाभ है, आपको क्या लाभ दिखते हैं नई पेंशन स्कीम? नई पेंशन स्कीम में कोई लाभ नहीं है। नई पेंशन स्कीम में 10% हमारा कटता है, 10-14% गवर्नमेंट देती है, और दोनों पैसा कहाँ जाता है इसका कोई गारंटी नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, कोई उसका भविष्य नहीं है। और इन्होंने जो नई पेंशन स्कीम लागू की है, ये सिर्फ मात्र एक पेपर पे इन्होंने लागू कर दिया है। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार द्विवेदी, सोनभद्र से आए हैं। अच्छा, आप भी सोनभद्र से। ये जो अगर सरकार इसको लागू नहीं करती है पुरानी पेंशन स्कीम को, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आज आपने आंदोलन किया, आगे क्या करेंगे? अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना और ओपीएस नहीं लागू किया, तो हम लोग जो है सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को वोट की चोट देंगे और सरकार को बदलने का प्रयास करेंगे जो है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में तमाम जो हम राजनीतिक घटनाक्रम देखते हैं, उसमें फिर से आने वाले चुनावों में हिंदू मुस्लिम होने का संकेत जैसा कि तमाम आरोप लगते हैं, क्या लगता है आपका मुद्दा कहाँ, वोट वाले दिन कहाँ ठहरेगा? जो सरकार ये सोचती है, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। जो हमारा मौलिक चीज़ें हैं, जो हमारी संवैधानिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमको नहीं मिलेंगी, तो हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का उनका मूल अधिकार है, संविधान के तहत अधिकार है, और वो क्या बताएंगे कि कौन अच्छी है कौन खराब, जिसको चाहिए उसी को पता चले कि कौन अच्छे। जैसे किसानों के लिए उन्होंने किया था कि किसान बिल लाए थे, लेकिन किसानों को पता हुआ था कि उनके लिए क्या है, उसी प्रकार हमारे लिए कर्मचारियों को भी पता है कि पुरानी पेंशन हमारे हित में, नई पेंशन एकदम में नहीं है, वो कैसे बता सकते हैं ये चीज़ें।
अच्छा, अगर हम देखें तमाम पार्टियों की अगर बात करें तो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जहां पर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हाँ नहीं किया है, तो आपको क्या लगता है क्या विपक्ष आपकी आवाज़ उठाएगा और क्या विपक्षी पार्टियां ये लागू कर पाएंगी? देखिए, हम सभी लोगों की बस एक रणनीति है कि जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, एनपीएस गो बैक, ओपीएस बहाल हो। और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन तमाम राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है, तो क्या लगता है आपको पार्टी के तौर पर कि कौन सी पार्टी से लागू करेगी? देखिए, मैं किसी पार्टी वाइज से नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अच्छा, हमारे साथ क्या लगता है आपको ये जो पुरानी पेंशन स्कीम में लाभ क्या थे जिनको आपका डर है जो कि अगर ये होता है तो क्या क्या स्थितियां राज्य कर्मचारियों को झेलनी पड़ेंगी? आप देखिए, ये पुरानी जो पेंशन हमारी जो स्कीम नहीं थी, ये मेरा अधिकार था, एक हमारी सम्मान की चीज़ें थी, जो हम 30 से 35 साल 40 साल जो हम पुरानी जो है नौकरियां करते हैं, नौकरी सर्विस देने के बाद हम रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद हमको एक सम्मान मिलता था, हमारा जीविका का साधन था, जो है कि बुढ़ापे की एक तरीके से लाठी कही जाती थी, दवाइयाँ हैं, तमाम चीज़ें जिम्मेदारियाँ थी। और अगर पुरानी पेंशन में सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब हम रिटायर होते हैं तो हमारा जो वेतन पे जिस वेतन पे रिटायर होते हैं वेतनमान पे उसका हमें 50% जो है कि पेंशन मिलती है और उस पर समय समय पे जो डीआर बढ़ता रहता है डीए के रूप में वो मिलता रहता है। और जब 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 वेतन आयोग बढ़ता है तब तब हमारी पेंशन बढ़ती रहती है, क्योंकि जब जब महंगाई बढ़ेगी, इन्होंने क्या किया है, पहले तो कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, और दूसरी चीज कि लोग अभी फिलहाल में आपको देखने को पेपर के माध्यम से मिल रहा होगा कि जो लोग 10 साल 12 साल नौकरी करके जब से एनपीएस लागू हुआ है 2004 के बाद से लोग नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1200 किसी को 1500 किसी को 2200 पेंशन मिल रही है, ये खुद सरकार को महसूस करना चाहिए कि आज के डेट में एक जो डेली मजदूर अपना वर्क करता है काम करता है जिसको आप नरेगा के तहत काम कराते हैं उसको जब जो है 2200 महीने का नहीं चल पा रहा है तो आप कैसे महसूस करेंगे। और रह गई बात, हमारा जो एनपीएस का पैसा जो इसमें कट के जाता है टोटल शेयर मार्केट में जाता है, शेयर मार्केट मतलब टोटल पूंजीपतियों के हाथ में आप उठा करके हर चीज पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं, जो कि कतई कर्मचारी इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में हम ये बता दे रहे हैं कि हमारा जो नेतृत्व करता है, जो हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो अगुआ हैं, जो भी देश में एक साथ चूंकि सारे कर्मचारी 48 संगठन मिलकर के इस धरने को आगे बढ़ाए हैं ओपीएस के बहाल करने के लिए और एनपीएस के विरोध में, अगला जो होगा भारत बंद का ऐलान होगा या चक्का जाम का ऐलान होगा उसको हम लोग पुरजोर समर्थन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो एक क्रांति की भी जरूरत पड़ेगी तो क्रांति भी हम लोग लाएंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज आप दिल्ली आए, लखनऊ में क्या आप ऐसा ही प्रदर्शन क्या लखनऊ में भी करेंगे योगी सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, अभी हम लोगों का इसके जस्ट पहले 27 जून को योगी सरकार के खिलाफ भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ था, वहां भी लगभग 70-80 हजार की संख्या उपस्थित हुई थी प्रदेश में। उसी दिन ये निर्णय हुआ कि दिल्ली में इस डेट को पूरे देश से लोग आएंगे। अच्छा, एक और सवाल, अभी कल ही के दिन केंद्र सरकार की तरफ से ये एक बयान सामने आया कि अगर जो भी प्रदर्शन और इन सब चीजों में कर्मचारी शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कैसे देखते हैं? हम जब यहाँ पे आए हुए हैं हमारे ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? जितनी कार्रवाई करनी हो आप कार्रवाई करिए, हम यहाँ पे आए हुए जितने लोग आए हुए हैं सब आज के डेट में सब सीएल लेकर के आए हुए हैं, और जरूरत पड़ेगा तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए आप जो भी कार्रवाई करनी करिए। जब 1986 में जब एक आंदोलन हुआ था, यूपी में भी हुआ था, राष्ट्र स्तर पे भी हुआ था, तो जो आंदोलन करने के लिए बाहर निकलते हैं ये बताने की जरूरत नहीं कि वो पीछे नहीं देखते हैं कि आप मेरे ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई करेंगे संगठन और सब लोग मिलकर उसको झेलेंगे, लेकिन आपके खिलाफ भी हम लोग मैदान में उतरेंगे। तो बिल्कुल, ये तमाम लोग सोनभद्र से यहाँ पर सीधे दिल्ली आए हुए थे, इनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और इसमें जो नई पेंशन की बात की जा रही है उसमें तमाम रिस्क हैं और तमाम उसमें चुनौतियां हैं कि जो शेयर मार्केट को लेकर इनका डर है, आशंका है, वो कब सरकार अब इस बात को सुनती है। इनका कहना है कि दिल्ली के साथ अब लखनऊ में भी मांगे करेंगे, आगे देखते हैं इसमें क्या मुद्दा क्या कुछ निकल कर आता है। मोहित सिंह कुशवाहा, यूपी तक के लिए, नई दिल्ली से।